बार फिर से स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मैथ बाई मंसूर। बहुत बहुत स्वागत है भी आपका। देखिए, अब तक हमने टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन किए थे उसके हमने टाइम एंड वर्क के लगभग चार पार्ट हमने कर लिए हैं। जो पांचवा पार्ट है आपका, उसमें जो आगे की टाइप्स हैं वो हम अब करेंगे। तो देखिए, आगे की टाइप्स कौन सी, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है और यहाँ पर मैं नोट्स में से आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल के हिंदी में समझा देता हूँ। देखिए, हमें बता रखा है कि किसी समय में ए बी से आधा काम करता है, यानी कि ए बी और सी आपको तीन व्यक्ति दे रखे हैं, ठीक है, और हमें उनकी क्या दे रखी है, कार्य क्षमताएं दे रखी है। ए बी से आधा काम करता है, यानी कि इसकी इफिशियंसी अगर मैं एक लूंगा तो इसकी क्या होगी, दो, ठीक है अभी। और हमें क्या बता रखा है, सी उसी समय में ए तथा बी से आधा काम करता है। सी है वो ए और बी से आधा काम करता है, तो दो और एक तीन, तीन का आधा लिखूंगा यहाँ पर, तो मेरे पास क्या आएगा, वन अपॉन वन बाई टू, यानी कि एक से एक बटा दो आएगा, तो वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा। इसलिए इसको अगर मैं मिटा दूं एक बार, तो देखिए ये अगर दो है तो ये होगा चार, और इसकी कार्य क्षमता इन दोनों की आधी, चार और दो छह का हाफ कितना होगा, तीन। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बता रखा है, अभी क्वेश्चन में हमें ये बता रखा है आगे कि जो यदि सी अकेला उस काम को 40 दिनों में करता है, जो सी है वो उस काम को कितने दिन के अंदर करता है, 40 डेज के अंदर सी उस वर्क को क्या करता है, कंप्लीट करता है। सी है उस अकेला उस वर्क को 40 डेज के अंदर कंप्लीट करता है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए हमारा टोटल वर्क। तो देखिए टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करें, हमारे पास सी का है कि सी 40 डेज के अंदर वर्क को कंप्लीट करता है और सी की एफिशिएंसी कितनी है, तीन। तो हमारे पास जो टोटल वर्क है, कुल कार्य है, कुल कार्य हमारे पास क्या आएगा, 40 इंटू में 3, यानी कि 120, यानी 120 हमारे पास क्या है, टोटल कार्य है। और हमसे पूछा रखा है, हमसे पूछा है कि वो तीनों व्यक्ति मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो हमसे पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी कि ये तीनों हैं उस कार्य को कितने डेज के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो हम सबसे पहले ऊपर टोटल वर्क लिखते हैं जो हमारे पास है 120, और नीचे टोटल इफिशियंसी, इनकी टोटल इफिशियंसी कितनी होगी, दो और चार छः और तीन नौ, ये आएगा हमारे पास 9 आएगा भी। अब देखिए ये 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 3 जा 9 और ये 3 जा 12, यानी 40। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 40 बटा 3 दिनों के अंदर वो उस वर्क को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। या फिर हम इसको और अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो 13 सही 1 बटा 3 दिनों के अंदर वो व्यक्ति उस काम को क्या करेगा, खत्म करेगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। अब तक लास्ट वीडियो में हमने ये टाइप की थी, दो व्यक्तियों के बारे में बताया था, ये तीन व्यक्तियों के बारे में। बहुत ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो आप अगला क्वेश्चन, ए बी तथा सी किसी काम को 30 दिनों के अंदर कंप्लीट करते हैं, यानी कि ए बी और सी है वो उस वर्क को कंप्लीट करने में कितने डेज लगाते हैं, अभी 30 डेज लगाते हैं। और हमें बताया क्या गया है, हमें बताया गया है क्वेश्चन के अंदर भी ए प्लस सी की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, यानी कि ए प्लस सी की जो कार्य क्षमता है, ए प्लस बी, यही अभी हमारे पास ए प्लस सी और बी है, अभी सॉरी ए प्लस सी और बी है, ठीक है, इसकी कार्य क्षमता, इनकी कार्य क्षमता बी से क्या है, दोगुनी है। और हमें आगे बता रखा है ए प्लस बी की कार्य क्षमता है वो सी से तिगुनी है, यानी a प्लस बी की कार्य क्षमता है वो c से क्या है, तीन गुनी है। ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास क्या है, कार्य क्षमताएं हैं, कार्य क्षमता। और हमें कार्य क्षमता की जरूरत होती है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, इफिशियंसी है, ठीक है भी, यानी हमें कार्य क्षमताएं दे रखी है। यहाँ पर आप देखिए भी, अब हमें कार्य क्षमता निकालनी किसकी है, हमारे पास तीनों व्यक्तियों की अलग अलग कार्य क्षमताएं होनी चाहिए ए बी सी की। अब हम इनकी कार्य क्षमताओं को अलग अलग करेंगे भी, तो देखिए अगर मैं तीनों की कार्य क्षमताओं को अगर जोड़ता हूँ, तो देखिए यहाँ पर तो तीनों की कार्य क्षमताओं का जोड़ आता है 3 और यहाँ पर आ रहा है तीनों का 4, लेकिन व्यक्ति तो 3 ही है, तो इनकी कार्य क्षमताएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो कार्य क्षमताओं को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका रेशियो यानी कि अनुपात बेस्ड क्वेश्चन है। तो इनकी कार्य क्षमताओं को इक्वल करने के लिए मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको 3 से, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको भी 4 से, इसको भी अगर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो इसको भी 3 से। यहाँ से मैं बता सकता हूँ भाई ए प्लस बी रेशो सॉरी ए प्लस बी सी रेशो बी की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 8:4,
और इसी तरीके से ए प्लस बी रेशो सी की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 9:3। बी की कार्य क्षमता कितनी है, 4। सी की 3 है, ए की बतानी है। तो देखिए टोटल इनकी कितनी है, अभी टोटल है देखिए, इसकी भी 12 हो चुकी है और इन तीनों की भी 12 हो चुकी है। तो अगर मैं 4 और 3 7 को 12 में से माइनस करूंगा तो मेरे पास ए की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 5 यूनिट पर डे। यहां से हम बता सकते हैं ए की कार्य क्षमता कितनी है, 5 यूनिट पर डे, और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 4 यूनिट पर डे, और सी की कार्य क्षमता कितनी है, 3 यूनिट पर डे। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों के अंदर कंप्लीट करेगा। तो अब हमारे पास क्या होना चाहिए भी, अब हम क्या निकालेंगे, हमारे पास टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों की कार्य क्षमताओं को ऐड करेंगे। तीनों की कार्य क्षमता कितनी है मेरे पास, 12 यूनिट पर डे, और तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन के अंदर कंप्लीट करते हैं, 30 डेज के अंदर कंप्लीट करते हैं भी। तो यहां से मेरे पास टोटल कार्य कितना आएगा भी, 360 मेरे पास टोटल कार्य आया है। तो इसको मैं यहां पर लिखूंगा अभी, हम निकालने के लिए आपको बताया था ऊपर होगा आपका टोटल कार्य और नीचे ए के बारे में ही पूछा है, तो ए की कार्य क्षमता कितनी होगी, 5/5। तो ए का हमारा आंसर कितना आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो देखिए 72 डेज के अंदर उस वर्क को क्या करेगा, ये कंप्लीट करेगा। यानी ए के बारे में पूछा जाए तो ए अकेला उस काम को खत्म करने के लिए 72 दिन लगाएगा भी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए और उनको करिए, आपको कोई डाउट आए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज सकते हैं। वीडियो का आपका तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपको एक चीज पता होनी चाहिए भी, आप इस वीडियो को देखेंगे, क्वेश्चनों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा भी, अब तक आप जो पढ़ रहे थे क्वेश्चनों के अंदर यूट्यूब पे या आप ऑफलाइन, तो आपको पता चलेगा आपने जो चीज़ की है और जो चीज़ अब आपको कराई जा रही है कौन सी इंपॉर्टेंट है। डिपेंड ये नहीं करता अभी कि आपने क्या कुछ पढ़ा, डिपेंड ये करता है अभी आपने जो पढ़ा है क्या वो आपके एग्जाम में आपसे उस टाइप के क्वेश्चन या उसी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते नहीं जाते। आपको जो चीज़ करवाई जा रही है अभी आपके टाइम एंड वर्क के अंदर, इस प्रकार के क्वेश्चन आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपको जरूर जरूर मिलेंगे भी। आप कहोगे सर आपने जो पढ़ाया है वो हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है भी। तो क्वेश्चन देखिए, जो आपका इससे पहले क्वेश्चन कराया था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका देखिए, ए प्लस बी किसी काम को सी के आधे समय में पूरा करते हैं भी, यानी कि जो ए प्लस बी है वो किसी काम को सी के आधे समय में पूरा करते हैं। ये हमें क्या दे रखा है, इनका समय दे रखा है, जिसको हम टाइम भी कहते हैं इंग्लिश में भी, ठीक है। अब आगे देखिए भी, अब आगे हमें क्वेश्चन में ये बता रखा है, जबकि बी प्लस सी उसी काम को 1/1/3 समय में करते हैं, जबकि आपके बी प्लस सी 1/1/3 समय में उस काम को करते हैं। ये हमें क्या दे रखा है, समय दे रखा है अभी। यानी ए प्लस बी और सी की जो कार्य क्षमता नहीं है, ये इनका समय है 1 और 2। बी प्लस सी और ए की ये कार्य क्षमता ही नहीं है, ये इनका समय है 1 और 2। आपको इससे जो पहले की वीडियो है आपकी, फोर्थ पार्ट है, उसमें ये बताया गया था भाई कि ये जो चीज है आपकी समय तथा कार्य के अनुपात, समय तथा कार्य क्षमता के अनुपात आपके क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं भाई। कार्य क्षमताओं के अनुपात क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो देखिए ए प्लस बी और सी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 2:1। इसी तरीके से बी प्लस सी और ए की कार्य क्षमता कितनी होगी, 3:1। सेम वही पैटर्न अब आपका आगे जो पहले हमने क्वेश्चन किया था, इनकी कार्य क्षमताओं को ऐड करेंगे, ये 3 है, इनकी कार्य क्षमताओं को ऐड करेंगे, ये टोटल कितनी है, 4। देखिए जब ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास व्यक्ति ही 3 है तो आप सोच सकते हो कार्य क्षमता इक्वल होनी चाहिए। तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। ये भी हमारे पास 12 आएगा, ये भी 12 आएगा, तो यहाँ पर भी इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 4 से और इसको 3 से और ए को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से मैं ए रेशो बी रेशो सी की कार्य क्षमता निकाल सकता हूँ। ए की कार्य क्षमता कितनी होगी हमारे पास, 3 होगी, और सी की कार्य क्षमता कितनी होगी हमारे पास, 4 होगी। तो आप बता सकते हो टोटल कार्य क्षमताएं हमारे पास 12 है, 4 और 3 7 माइनस करेंगे 12 में से, तो बी की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 5।
अब हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा कि वो तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगी। तो हमसे पूछा है ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, और बी अकेला और सी अकेला उस काम को कितने दिनों के अंदर कंप्लीट करेगा। इसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, टोटल वर्क होना चाहिए। उसके लिए आपको ये चीज़ बताई जाए क्वेश्चन में कि वो काम को कितने दिनों में करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में एक चीज़ और बताई गई है आपकी कि वो तीनों व्यक्ति अगर उस काम को 20 दिन में ख़त्म करते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी 20 डेज के अंदर उस वर्क को क्या कर देते हैं, अभी कंप्लीट करते हैं। तो देखिए टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, 5 और 4 9 और 3 12, यानी 12 यूनिट पर डे। और तीनों कितने दिन लगाते हैं, 20 डेज उस वर्क को कंप्लीट करने में लगाते हैं। तो हमारे पास 240 क्या होगा, टोटल वर्क होगा, यानी 240 हमारे पास क्या है, टोटल कार्य है। अब ए के बारे में हमसे पूछा था, तो देखिए टोटल कार्य हमारे पास 240 है और ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3। तो ए कितने दिन लगाएगा, 80 डेज के अंदर उस वर्क को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। बी के बारे में पूछा था, तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 240, और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5। तो ये कितना आएगा अभी आपका, 5 चौक 20 और 5 8 40, यानी ये व्यक्ति 48 डेज के अंदर उस वर्क को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। जब सी की बारी आएगी तो सेम वही पैटर्न होगा हमारा, ऊपर हमारा टोटल कार्य है 240 है, नीचे सी की कार्य क्षमता कितनी है, 4। तो ये कितने दिन लगाएगा, ये उस वर्क को कंप्लीट करने में 60 डेज लगाएगा, यानी 60 दिनों के अंदर उस काम को खत्म करेगा। ये हमारे फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको बार बार देखिए, बहुत अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, आपको लगता है अभी इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो आप प्रीवियस ईयर के NTPC के SSC के GD के आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा अभी इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अभी अगली टाइप हमारी जो है उसको देखिए, इसमें ये बता रखा है कि A प्लस बी किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि A प्लस बी है अगर वो किसी काम को 8 दिनों के अंदर कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे अभी सर ने A प्लस बी बराबर 8 क्यों नहीं लिखा, गुणा में 8 लिख दिया, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने निकाल रखे हैं, इसलिए मेरे को पता है इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, या फिर आप क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर क्या करना है। ये बता रखा है अभी अगर A प्लस बी किसी काम को 8 दिनों के अंदर कर सकते हैं, लेकिन जब A तथा B क्रमशः दुगनी व 1/3 कार्य क्षमता से काम करें, यानी कि A है वो अपनी दुगनी क्षमता से और B है वो अपनी क्षमता का 1/3 कर देता है, उससे काम करते हैं, तो काम कितने दिनों के अंदर समाप्त होता है, अभी क्वेश्चन में बता रखा है कि काम 6 दिनों के अंदर समाप्त होता है। तो आपको बताना है कि जो ए है वो अकेला उस काम को करने में कितने दिन लगाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे, भी आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम कार्य क्षमता निकालेंगे। इसके लिए इसको लिखा मैंने 8A प्लस में 8B इक्वल में मेरे पास कितना होगा, 12A प्लस में 2B, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं 8 को उस साइड लेके जाऊँ और B को इस साइड लेके जाऊँ तो मेरे पास कितना होगा, अभी देखिए, अभी 6B इक्वल में मेरे पास कितना होगा, 4A, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं इनको कैंसिल करूँ तो ये 3 पे हो रहा है, ये आपका 2 पे, यानी कि 3B इक्वल मेरे पास कितना होगा, 2A, और A और B की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 3/2। यानी यहाँ से मुझे पता चला A की कार्य क्षमता है 3 यूनिट पर डे, ठीक है भी, और जो B है उसकी कार्य क्षमता कितनी है, 2 यूनिट पर डे। यहाँ से मुझे पता चल चुका है दोनों की कार्य क्षमता, यानी एक दिन में काम करने की क्षमता इनकी कितनी है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, जब हमारे पास कार्य क्षमताएं हैं, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास आपको बता चुके हैं अभी टोटल वर्क नहीं है। कोई भी क्वेश्चन करते हैं उसके लिए हमारे पास वर्क होना बहुत जरूरी है। टोटल वर्क के लिए हम क्या करेंगे, अभी देखिए, ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की कार्य क्षमता 2 है, तो 3 और 2 दोनों को यहाँ रखेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 5 यूनिट पर डे, और दोनों 8 दिनों के अंदर उस काम को 8 डेज के अंदर उस वर्क को क्या करते हैं, अभी कंप्लीट करते हैं, तो 40 यहाँ पर मेरा क्या आएगा, वर्क आ जाएगा, ठीक है अभी, यानी 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, यानी कि 40 हमारा क्या है, कार्य है। अब हमसे पूछा क्या था, ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब कोई व्यक्ति ये नहीं सोचेगा भी, कोई स्टूडेंट ये नहीं सोचेगा, या कोई मेरा भाई या बहन ये नहीं सोचेगा भी कि यहाँ पर ही 2-3 रखे तो 8 से गुणा क्यों किया, 40 आया। आप इनको यहाँ भी रखेंगे तो भी हमारे पास कार्य कितना आएगा, 40 आएगा। इक्वल का मतलब क्या है, भी आपका कार्य बराबर है, अगर आप इस साइड भी रख के देख सकते हो आपका 40 ही आएगा, ठीक है।
अब आप देखिए एक का बताना है हमें, टोटल कार्य हमारे पास कितना है 40 है और एक की कार्य क्षमता कितनी है 3 है, 3 है भी, तो हमारा आंसर कितना होगा 13 सही 1/3 दिनों के अंदर या डेज के अंदर उस वर्क को क्या करेगा वो कंप्लीट करेगा। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है हमारा आंसर है अभी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के एक दो क्वेश्चन और करवाएंगे आपको, तो चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, या आप इसको एक बार फिर से रिवाइज करके देख सकते हो। इस प्रकार के क्वेश्चनों में भी एक शॉर्ट ट्रिक निकलती है, आप डायरेक्ट कार्य क्षमता कैसे निकाल सकते हैं वो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको लास्ट में बताया जाएगा भी कि आप डायरेक्ट सीधी कार्य क्षमता, देखिए यहाँ से हमने कार्य क्षमता निकाली, हमने ये बताया हम सीधी कार्य क्षमता कैसे बता सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो हम डायरेक्ट कार्य क्षमता बता सकते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको करवाएंगे, इसी वीडियो में करवाएंगे, लास्ट में आपको वो चीज बताएंगे, इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है उसको देखिए आप, आपकी स्क्रीन पे बता रखा है, अजय तथा विजय मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं और आपको आगे बता रखा है, यदि अजय अपनी 1/2 कार्य क्षमता से काम करता है और विजय अपनी 5 गुना कार्य क्षमता से काम करता है तो वो दोनों काम को निर्धारित समय के 50% समय में कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमें बताना है कि विजय उस काम को पूरा करने में कितना समय लगाएगा। हमें क्या बताना है, विजय उस काम को पूरा करने में कितना समय लगाएगा। हमें बता रखा है ए से अजय है आपका और वी से विजय है, ये दोनों किसी काम को कितने दिनों के अंदर, 10 दिन के अंदर कंप्लीट करते हैं। आगे हमें बता रखा है यदि अजय अपनी 1/2 कार्य क्षमता से काम करे, यानी अजय है उसकी कार्य क्षमता को आधा कर देंगे और विजय है वो अपनी 5 गुना कार्य क्षमता से काम करे तो वो निर्धारित समय के 50% समय में काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो निर्धारित समय हमारे पास क्या था भाई, निर्धारित समय हमारे पास था कि अजय और विजय है वो 10 डेज के अंदर उस वर्क को क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। इसके 50% समय में यानी कि ये 5 डेज के अंदर वर्क को कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा 5 डेज के अंदर आएगा। कब, जब अजय की कार्य क्षमता को आधा कर दिया जाए और विजय की कार्य क्षमता को 5 गुना कर दिया जाए तो ये 5 दिनों के अंदर उस काम को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। यहाँ से हम अजय तथा विजय की कार्य क्षमताओं का अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा भी, देखिए 5a/2 होगा और प्लस में ये हमारे पास कितना होगा 25b। यहाँ से हम 5a को इस साइड लेके आएंगे तो आपका 10a माइनस का 5a/2 इक्वल में मेरे पास कितना होगा 15v, यानी आप 10v को 15v में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 25v में से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 15v बचेगा। यहाँ पर अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये हमारे पास कितना आएगा 15a/2 इक्वल में मेरे पास कितना होगा 15v, जिसको मैं लिख सकता हूँ 15a इक्वल में 30v, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1 और 2 पे होगा, तो 1a बराबर मेरे पास कितना है 2v, यानी अजय और विजय की कार्य क्षमता कितनी है 2/1। यहाँ से मैं बता सकता हूँ अजय की कार्य क्षमता है 2 यूनिट पर डे और विजय की कार्य क्षमता है 1 यूनिट पर डे, ठीक है। अभी अब हमें बताना क्या था कि विजय उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, इसके लिए हमारे पास आपको एक चीज बता रखी थी, क्या होना चाहिए भी, टोटल वर्क होना चाहिए। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों की कार्य क्षमता कितनी है 3 यूनिट पर डे, अजय की 2 है और विजय की 1 है, और यहाँ पर हमें बता रखा है भी, देखिए दोनों 10 दिन में काम को खत्म करते हैं, कितने डेज लगाते हैं 10 डेज लगाते हैं भैया, तो देखिए हमारे पास जो वर्क आएगा वो कितना आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हमारे पास क्या है वर्क है। हमसे पूछा गया था विजय उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो देखिए विजय का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर हमारे पास टोटल वर्क है, नीचे विजय की कार्य क्षमता कितनी है 1, 1 से डिवाइड करने का कोई बेनिफिट नहीं है अभी आपका क्योंकि वैल्यू सेम रहेगी, तो विजय उस काम को कितने दिन के अंदर कंप्लीट करेगा 30 डेज के अंदर कंप्लीट करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी अब देखिए ये इस टाइप के आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आपको ऐसा क्वेश्चन बताएंगे जिसमें आप डायरेक्ट कार्य क्षमता निकाल सकते हो और क्वेश्चन भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, अगर आप समझ जाओगे तो अच्छा है, ठीक है। अभी नहीं समझोगे तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, कन्फर्म समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है 101%। देखिए अगला इसमें ट्रिक बताएंगे आपको कि अब तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन देखिए ये a+b किसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं, यानी ए और बी है वो किसी काम को कितने दिनों के अंदर समाप्त करते हैं 30 डेज के अंदर कंप्लीट करते हैं भी, यानी हम डेज ना लिखें तो भी कोई बात नहीं है, 30 दिनों के अंदर काम को खत्म करते हैं, वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन आपका मतलब कि वो काम को कोई छोड़ेगा कोई नहीं करेगा, तब बताया कितने दिनों के अंदर कंप्लीट करेंगे। लेकिन बी 23 दिन बाद काम छोड़ देता है और पूरा काम 33 दिनों के अंदर समाप्त हो जाता है, देखिए लेकिन बी है ना वो 23 दिन के बाद काम छोड़ देता है, इसका मतलब
ए प्लस बी है, दोनों ने 23 दिन तक तो साथ काम किया है, उसके बाद 33 दिन में काम समाप्त होता है, यानी कि अगले 10 दिन किसने काम किया है, ए ने कार्य किया है। यहां से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 30 ए प्लस में 30 बी बराबर हमारे पास क्या होगा, 23 ए प्लस में 23 बी प्लस में 10 ए। तो 10 ए और 23 ए को ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 33 ए आएगा भी, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 33 ए। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं 30 बी में से माइनस करता हूँ 23 बी और इधर 33 ए में से अगर मैं माइनस करता हूँ 30 ए, तो मेरे पास क्या आएगा, 7 बी इक्वल में 3 ए, यानी ए बाय बी की कार्य क्षमता कितनी है, 7/3। आई कि नहीं आई बात समझ में, यानी ए की कार्य क्षमता कितनी है, 7 यूनिट पर डे, और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3 यूनिट पर डे। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमसे ये पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों के अंदर समाप्त करेगा, इसके लिए हमारे पास टोटल वर्क होना चाहिए। तो टोटल वर्क के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों की कार्य क्षमता 7 और 3 10 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10 यूनिट पर डे है और ये 30 डेज के अंदर काम को कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पर मेरी कार्य टोटल वर्क कितना आएगा, अभी टोटल वर्क आएगा मेरे पास 300। तो ए के बारे में हमें बताना था, टोटल वर्क है 300 और ए की कार्य क्षमता कितनी है, 7, तो ये इतने डेज के अंदर वर्क कंप्लीट करेगा, 300/7 डेज के अंदर वर्क कंप्लीट करेगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो देखिए 7 चौक आपका 28 होता है 2, ठीक है, 6/7 यानी 42 से ही 6/7 दिनों के अंदर वो उस वर्क को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आई कि नहीं बात समझ। अब देखिए इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, अभी ट्रिक आपकी ये है कि हम डायरेक्ट कार्य क्षमता निकालेंगे, तो देखिए हमारे पास दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए है वो 33 दिनों तक काम करता है, ए है वो कितने दिन तक काम करता है, 33 डेज के अंदर काम कंप्लीट करता है, और बी है वो कितने डेज के अंदर काम कंप्लीट करता है, 23 डेज के अंदर काम कंप्लीट करता है, लेकिन लेकिन जो हमारा वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ, हमारा वर्क है वो 30 डेज के अंदर क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। तो बी को कितने दिन और काम करना था, 7, यानी कि बी को 7 दिन काम करना था, और ए ने 3 दिन फालतू काम किया, तो ए अगर 3 दिन काम कम करे तो काम 30 दिनों में हो जाता। देखिए काम 30 दिन के अंदर कंप्लीट हो रहा है, ए है वो 23 दिन ही काम करता है, ये हमने अभी अभी देखा है, तो ए अगर 7 दिन और काम करता, यानी कि सॉरी बी अगर 7 दिन और काम करता, तो 7 बी इक्वल किसके होता, अगर ए 3 दिन कम काम करता, क्योंकि बी ने जो 7 दिन में काम नहीं किया है वही काम तो ए ने 3 दिन में किया है कि नहीं ये बात समझ में। तो यहाँ पर ए और बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई मेरे पास, 7/3। डायरेक्ट कार्य क्षमता निकाल सकते हो आप यहाँ से, आई कि नहीं आई बात समझ में। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप ऐसे डायग्राम बना के डायरेक्ट कार्य क्षमता निकाल सकते हो, इससे छोटी आपकी पूरे यूट्यूब पे कोई भी ट्रिक नहीं है। आप देख सकते हो, कहीं भी आपको मिले तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज करके व्हाट्सएप पे आप हमें बता सकते हो, सर इससे भी छोटी ट्रिक है, आप डायरेक्ट कार्य क्षमता निकाल ऐसे ही सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता आपका इससे छोटी ट्रिक का रास्ता नहीं है भाई, ठीक है। देखिए भी आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें ये बताया गया है, अभी ए किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, यानी कि ए है वो 4 दिन बाद काम है छोड़ देता है, और बी बचे हुए काम को अगले 18 दिनों में पूरा करता है, यानी कि बी बचे हुए काम को कितने दिनों में कंप्लीट करता है, 18 दिनों के अंदर कंप्लीट करता है। अब आगे हमें बता रखा है, यदि यदि ए है वो उस काम पर 6 दिन काम करे, तो भी बी उस काम को 12 दिनों के अंदर क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है। अभी ये हमें बता रखा है, बी उस काम को 12 दिनों में पूरा कर देता है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि ए अकेला और बी अकेला उस काम को कितने दिनों के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सेम आपको जो क्वेश्चन करवाए थे वही पैटर्न है, भी आपका 18 बी में से मैं 12 18 बी माइनस का आपका 12 बी इक्वल में मेरे पास क्या होगा, 6 ए माइनस का 4 ए, ये मेरे पास क्या आएगा, इधर 6 बी इक्वल में मेरे पास आएगा 2 ए, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 3 बी इक्वल में 1 ए। तो ए बाय बी की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 3/1, यानी कि आप बता सकते हो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3 यूनिट पर डे, और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 1 यूनिट पर
डे भी, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको हर बार बता चुके हैं, अभी हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, टोटल वर्क होना चाहिए। तो देखिए टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी देखिए ए की कार्य क्षमता कितनी है, देखिए 4a प्लस में मेरे पास 18b है, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है 3, तो 4 इंटू में 3 प्लस में बी की कार्य क्षमता कितनी है 1, 18 इंटू में 1 मेरे पास कितना आएगा 30 आएगा टोटल। यानी मेरा जो टोटल कार्य है वो 30 हमारे पास क्या आया, टोटल वर्क आ चुका है। यानी कि उन्हें काम कितना करना है, 30 काम करना है। अभी 30 काम का मतलब है आप ये 30 कुछ भी मान सकते हो भी, यानी कि आप ये मान लीजिए भी उसे 30 टोकरियां बनानी है, ठीक है भैया, 30 गुलदस्ते बनाने हैं, यानी कि काम जो है उसकी टोटल संख्या कितनी है 30 है, वर्क कुछ भी हो सकता है अभी आपका। तो देखिए ए है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया गया, अभी ए है उसका टोटल कार्य कितना है 30, ठीक है भैया, और ए की कार्य क्षमता कितनी है 3, तो ए उस वर्क को 10 डेज के अंदर क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। यानी ए से कहा जाए कि सारा काम तुमको अकेले को दिया जाए तो तुम कितने दिनों के अंदर कंप्लीट करे हुए करोगे, तो ए कहेगा भी हम 10 दिन के अंदर उस वर्क को क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। अगर यही बात बी से कही जाए तो बी क्या कहेगा, टोटल वर्क 30 है और बी एक दिन में एक कार्य ही कर सकता है, तो बी उस वर्क को कंप्लीट करने में कितने डेज लगाएगा, 30 डेज लगाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको और भी करवाए जाएंगे, अभी आपका टाइम एंड वर्क है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, और भी इसकी वीडियोज आएंगी टाइम एंड वर्क की। और आपका जो स्कूल का मैथ्स जो करवा रहे हैं स्कूल वाले बच्चों के लिए, 10th क्लास का मैथ्स स्टार्ट किया है अभी, ठीक है, आपका 11th का 12th का सारा कंप्लीट करवाएंगे भी, थोड़ा टाइम लगेगा, चीज़ें सारी कवर करेंगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, जिसको ज़रूरत है उस तक वीडियो पहुँचाइए भी, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।